फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो हम बात करेंगे यूरोपा लीग के मैच के बारे में जो गाइस खेला जाए यहाँ से रियल बेटिस और फ्रैंकफर्ट के बीच में होने वाले इस मैच के बारे में। तो गाइस इस वीडियो में इन दोनों टीमों के हर एक प्लेयर्स के बारे में फुल डिटेल्स में हम बात करेंगे। वैसे आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और ध्यान से देखना, ओके। तो अब हम नज़र डालते हैं सीधे इन दोनों टीमों की पॉइंट्स टेबल पर। और हाँ दोस्त, इस मैच की जो फाइनल टीम रहेगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने टॉप के कॉमेंट और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, ओके। तो अब हम नज़र डालते हैं सीधे इन दोनों टीमों की पॉइंट्स टेबल पर। तो गाइस रियल बेटिस ला लीगा में फिलहाल के टाइम पर फिफ्थ पोजीशन पर है। वहीं पर बात करें फ्रैंकफर्ट जर्मन बुंदेसलीगा में फिलहाल के टाइम पर टेंथ पोजीशन पर है। तो गाइस दोनों टीमों की जो पोजीशन है अपनी अपनी लीग में, तो रियल बेटिस की एक बेहतरीन पोजीशन देखने को मिलती है और फ्रैंकफर्ट जर्मन बुंदेसलीगा में कहीं ना कहीं काफ़ी लो पोजीशन पर देखने को मिलती है। तो गाइज अब बात आती है कि इन दोनों टीमों में से हम किस टीम को अपने ड्रीम इलेवन टीम के लिए एक फेवरेट टीम मान चलें। तो गाइज मैं फिलहाल के लिए इस मैच में रियल बेटिस को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। क्यों? क्योंकि गाइज ये मैच इस टीम के होम ग्राउंड में, और ये टीम जब भी अपना होम ग्राउंड मैच खेलती है या तो मैच को विन करती है या मैच को ड्रॉ खेलती है, लेकिन मैच को जल्दी से लॉस नहीं करती। तो इसीलिए मैं इस टीम को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। लेकिन गाइज हम बात करेंगे जब ये दोनों टीमें आपस में हेड टू हेड मैचेस खेलती है तो किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है इन दोनों टीमों की ओर से। तो गाइज इन दोनों टीमों के बीच में सिर्फ एक ही हेड मैच हुआ है और उस मैच को फ्रैंकफर्ट ने अपने होम ग्राउंड इस टीम के सामने 3-0 से विन किया। अटैकिंग वाइज उस मैच में 3 गोल किए लेकिन डिफेंस गोल कंसीड नहीं किया, और वो मैच काफी पहले का है 2017 का। और फिलहाल के टाइम पर इन दोनों टीमों में काफी ज्यादा प्लेयर्स वाइज चेंजेस हैं, कोच वाइज चेंजेस हैं और रिसेंट फॉर्म में भी काफ़ी चेंजेस। मुझे नहीं लगता कि ये मैच ज़्यादा मैटर रखेगा, लेकिन हम बात करेंगे इन दोनों टीमों जो करंट फॉर्म है उसका अकॉर्डिंग जो फिलहाल के टाइम पर जो परफॉर्मेंस है एक बार हम उस पर नज़र डालते हैं। तो गाइस रियल बेटिस ने करंटली खेले हैं 6 मैच, जिनमें से सिर्फ 2 ही मैच इस टीम ने विन करे हैं, 2 मैच ड्रॉ भी खेले और 2 ही मैच इस टीम ने लॉस किए हैं। अटैकिंग वाइज 1.3 गोल पर मैच स्कोर किया लेकिन डिफेंस 1.5 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। कहने का मतलब ये टीम अटैकिंग वाइज प्रत्येक मैच में कम से कम एक और कभी कभी ये टीम पर मैच में 2 या 3 गोल भी स्कोर कर देती है, लेकिन डिफेंसिव ये टीम प्रत्येक मैच में एक और कभी कभी ये टीम पर मैच में भी 2 या 3 गोल तक कंसीड कर देती है। तो परफॉर्मेंस अटैक से लेकर डिफेंस तक, मैच को विन करने से लेकर मैच को ड्रॉ या लॉस खेलने तक, तो इक्वल ही देखने को मिलता है इस टीम की ओर से। अब गाइस बात करें जो पिछला मैच रियल बेटिस एटलेटिको मैड्रिड के सामने 3-1 से मैच को लॉस करके आ रही है। अटैकिंग वाइज इस टीम ने सिर्फ 1 ही गोल किया लेकिन डिफेंस से 3 गोल कंसीड किए, लेकिन उससे भी मुकाबले रियल बेटिस 1-1 से मैच को ड्रॉ के लिए रायो वल्लेकानो के सामने। अटैकिंग वाइज इस टीम ने फिर से 1 गोल किया लेकिन डिफेंस से फिर से 1 गोल कंसीड किया, और उससे भी मुकाबले सेविल्ला के सामने टीम 2-1 से मैच को लॉस किए। और सेविल्ला जो कि ला लीगा की काफी बेहतरीन डिफेंसिव टीम है, उस टीम के सामने इसका विन लॉस करना बनता। क्यों? क्योंकि वो मैच सेविल्ला ने अपना होम में खेला था और सेविल्ला का होम फॉर्म काफी शानदार है, लेकिन उससे भी मुकाबले रियल बेटिस जेनिथ के सामने खेली और डिफेंसिव मैच को ड्रॉ खेल गई। उससे पिछले 2 मैच इस टीम ने और खेले हैं, 1 मलोर्गा के सामने, 1 जेनिथ के सामने, और दोनों मैच को इस टीम ने 2-1 और 3-2 से मैच को विन भी किया। तो परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो इस टीम का अटैकिंग वाइज काफी शानदार है, लेकिन डिफेंस से कहीं ना कहीं ये टीम पर मैच में गोल कंसीड कर देती है। अब गाइस बात आती है फ्रैंकफर्ट का जो करंट फॉर्म उसका अकॉर्डिंग जो फिलहाल के टाइम जो परफॉर्मेंस है एक बार हम उस पर भी नजर डालते हैं। तो गाइस फ्रैंकफर्ट ने करंटली खेले हैं 6 मैच, जिनमें से इस टीम ने 3 मैच विन करे हैं और 3 ही मैच इस टीम ने लॉस किए हैं। अटैकिंग वाइज 1.3 गोल पर मैच स्कोर किया लेकिन डिफेंस से 1.2 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। कहने का मतलब ये टीम अटैक से लेकर डिफेंस तक और मैच को विन करने से लेकर मैच को ड्रॉ मतलब लॉस करने तक, तो परफॉर्मेंस इस टीम का भी इक्वल ही देखने को मिलता है। अब गाइस बात करें जो पिछला मैच फ्रैंकफर्ट हेर्था बर्लिन के सामने 4-1 से मैच को विन करके आ रही है। अटैकिंग वाइज इस टीम ने 4 गोल किए लेकिन डिफेंस से 1 गोल कंसीड किया, और उससे पिछले इस टीम ने 3 मैच लॉस किए और 3 मैच में इस टीम ने 1 भी गोल स्कोर नहीं किया, बल्कि डिफेंसिव वाइज पर मैच में इस टीम ने गोल कंसीड भी किया। और उससे पिछले 2 मैच इस टीम ने और खेले, 3-2 से विन किया और 1 मैच इस टीम ने 1-0 से विन भी किया, और उन 2 मैच में इस टीम का जो परफॉर्मेंस था वो काफ़ी लाजवाब था अटैक से लेकर डिफेंस तक। तो गाइस अब बात आती है इन दोनों टीमों का मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन क्या हो सकता है। तो गाइस सबसे पहले हमने इन दोनों टीमों की पॉइंट्स टेबल पर नजर डाली, फिर इन दोनों टीमों का हेड टू हेड मैच पर नजर डाली, फिर इन दोनों टीमों के रीसेंट फॉर्म पर भी नजर डाली। अगर हम इन तीनों फॉर्मेट को एक साथ कंपेयर कर लें कि कौन सी टीम का बेहतर परफॉर्मेंस रहा है इन तीनों फॉर्मेट में, तो गाइस पॉइंट्स टेबल के अकॉर्डिंग तो रियल बेटिस ला लीगा में फिलहाल टाइम पर एक बेहतरीन पोजीशन पर है और फ्रैंकफर्ट की जो पोजीशन है जर्मन बुंदेसलीगा में वो थोड़ी सी डाउन देखने को मिलती है। लेकिन हेड टू हेड में बात की जाए तो इन दोनों टीमों के बीच में एक ही हेड टू हेड मैच हुआ है और उस मैच को फ्रैंकफर्ट ने अपना होम ग्राउंड इस टीम के सामने विन किया था, लेकिन वो काफ़ी पहले का। मुझे नहीं लगता ये मैच इस मैच में इतना ज़्यादा इसका दबाव रहेगा, लेकिन रीसेंट फॉर्म का अकॉर्डिंग देखा जाए दोनों टीमों का जो परफॉर्मेंस रहा है अटैक से लेकर डिफेंस तक और मैच को विन करने से लेकर लॉस करने तक, तो इक्वल ही देखने को मिलता है। तो फाइनली गाइस
यहाँ से तो आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना ही होगा कि कौन सी टीम को इस मैच में फेवरेट टीम मानने चले। मैं यहाँ से लॉजिक लगा के चला हूँ कि रियल बेटिस लालीगा की टीम है और लालीगा एक बेहतरीन लीग है, और फ्रैंकफर्ट जो कि जर्मन बुंदेसलीगा की टीम है, तो मैं यहाँ से लालीगा को ज़्यादा फेवर करके चला हूँ, इसलिए मैं इस टीम को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। तो फाइनली गाइज अब बात आती है, अब इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या होना चाहिए। तो गाइज मैं मान के चला हूँ कि इस मैच में कम से कम आपको रियल बेटिस की ओर से एक गोल तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये मैच इस टीम का होम ग्राउंड में भी है और डिफेंस वाइज भी कहीं ना कहीं एक गोल कंसीड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों टीमों का जो डिफेंस है वो काफी डाउन है और दोनों टीमों का अटैक में जो परफॉर्मेंस है वो इक्वली रहा है। तो मैं मान के चलाऊंगा इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन कहीं ना कहीं आपको 1-1 ड्रॉ देखने को मिल सकता है। और आप फ्रैंकफर्ट को हल्के में मत लेना, क्योंकि ये टीम भी काफ़ी बेहतरीन टीम है जर्मन बुंदेसलीगा की, तो ये भी इस मैच में बैकफायर कर सकती है। तो मैं 1-1 ड्रॉ का अकॉर्डिंग ही अपनी ड्रीम इलेवन टीम क्रिएट करने वाला हूँ ड्रीम इलेवन पर। उससे पहले हम बात करेंगे इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में कि कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट निकाले हैं। तो हम सब उस पर नज़र डालेंगे रियल बेटिस के प्लेयर्स के बारे में, फिर हम नज़र डालेंगे फ्रैंकफर्ट के जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में कि कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए हैं। तो नज़र डालते हैं सबसे पहले रियल बेटिस के प्लेयर्स के बारे में। उससे पहले अगर आप बिल्कुल नए हो और आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए इस यूट्यूब चैनल पर कंटिन्यू लाते रहता हूं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, इस मैच जो फाइनल टीम रहेगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने टॉप के कॉमेंट और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। ओके, लेकिन याद रहे सर्च करके आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ लिंक के जरिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। बात करते हैं सीधे मुद्दे के प्लेयर वाइज की कौन से प्लेयर ने कितने गोल और कितने असिस्ट किए। तो नजर डालते हैं पहले रियल बेटिस के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइज रियल बेटिस की टीम तरफ सिर्फ आपको लिमिटेड ही प्लेयर देखने को मिलेंगे, उनको ही टीम में ट्राई करना है। फर्स्ट हाईएस्ट गोल टेकर टीम तरफ से फिलहाल टाइम पर जुआनमी है, जिसने इस टीम के लिए 12 गोल निकाले हैं और काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस किया। तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, टीम में जरूर ट्राई करना, लेकिन 90 मिनट कभी कभी नहीं खेलता, 65 मिनट बाद ये सब्स्टिट्यूट भी हो जाता है। अगर आपको लगे कि नहीं जर्मन मतलब फ्रैंकफर्ट जल्दी गोल कंसीड नहीं करेगी, तो उस कंडीशन में आप यहाँ से रिस्क ले भी सकते हो, लेकिन समोलिंग में मैं इसको ड्रॉप करने के लिए नहीं बोलूँगा। ओके, विलियन जोस जो कि इस टीम की तरफ से काफ़ी जोश भरा इसने आगाज किया है, जब भी इसने परफॉर्मेंस इस टीम के लिए 90 मिनट तक किया तो कहीं ना कहीं इसका गोल या असिस्ट आया ही आया। तो इस टीम की तरफ से फर्स्ट चॉइस पेनल्टी टेकर भी है। ओके, बोर्जा इस टीम की तरफ से थर्ड हाईएस्ट गोल टेकर है। नाबिल फाकिर जो कि इस टीम की तरफ से फर्स्ट चॉइस पेनल्टी टेकर रहा करता था, नहीं गाइज ये इस टीम तरफ से एक ऐसा प्लेयर जो कि डिफेंसिव पॉइंट भी काफ़ी अच्छा देता और अटैकिंग पोजीशन पर खेलता और असिस्ट पोटेंशियल काफ़ी हाई रखता। तो टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन इन्हें भी टीम में ट्राई करके चल सकते हैं। ओके, तो यहाँ से एलेक्स मोरिनो जो कि रीसेंट फॉर्म काफ़ी शानदार है, इंटरसेप्शन टैकल भी काफ़ी अच्छा करता है, प्लस असिस्ट पोटेंशियल और गोल पोटेंशियल हाई रखता है, तो इनको मैं अपनी टीम से बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करूँगा। सर्जियो कैनालेस ये भी एक अच्छा प्लेयर, लेकिन सभी अच्छे प्लेयर को हम अपनी टीम में मतलब पिक नहीं कर सकते। अब यहाँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर जिनको हम टीम में ट्राई करके चलना ही चलना, जुआनमी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, विलियम जोस, इन तीन में से कोई दो खेलेगा, जो दो खेलेंगे उनको हम टीम में ट्राई करके चलेंगे। ओके, नाबिल फकीर और बोरिनो इन दो को तो ट्राई करके चलेंगे। सर्जियो कैनालेस अब आपकी चॉइस रहेगी, इन दो में से आप कैनालेस को पिक करते हो या नहीं। ओके, मैं लाइनअप आने के बाद ही क्लियर कर पाऊंगा कि कौन सी प्लेयर की पोजिशन बेहतर है, लेकिन यहाँ जो और प्लेयर है विलियम कारवाल्हो इस टीम की तरफ से ऐसा प्लेयर जो कि डिफेंसिव पॉइंट देता है, और यहाँ से रोड्रिगोज भी एक ऐसा प्लेयर है जो कि डिफेंसिव पॉइंट काफी अच्छे देता है बिना गोल के, ये ऐसे प्लेयर है जो बिना गोल के 20+ पॉइंट देने की क्षमता रखते हैं। ओके, बाकी आप सामने जितना प्लेयर्स हैं उनका रिकॉर्ड भी है, आप चाहते स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब यहां से मैं फिर से टिक कर देता हूं उन्हें प्लेयर को जिनको हम टीम से मतलब टीम में ट्राई करके चलना ही चलना। ओके, तो यहां से इन प्लेयर को हम टीम से बिल्कुल भी ड्रॉप मत करना। बात आते हैं इस टीम तरफ से कौन से प्लेयर जिन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किए, तो नजर डालते हैं असिस्ट वाले प्लेयर्स पर भी। तो गाइस असिस्ट मामले में देखा जाए तो यहाँ से नाबिल फकीर जो कि गोल प्लस असिस्ट दोनों में कंट्रीब्यूट और डिफेंसिव पॉइंट भी काफी अच्छा देता है, तो इनको बिल्कुल भी ड्रॉप हम टीम से नहीं करेंगे। ओके, सर्जियो कैनालेस जो कि रिसेंटली 4 गोल कर चुका है और 5 असिस्ट किए हैं, और रिसेंट परफॉर्मेंस इसका भी काफी शानदार है। विलियन जोस इस टीम की तरफ से 4 गोल कर चुका है रिसेंटली, इसने पहले मतलब गोल किया है दोनों मैच में, लास्ट के दोनों मैच में इसने प्लेयर ने गोल किया। ओके, तो यहाँ से विलियम कारवालो इस टीम की तरफ से असिस्ट पोटेंशियल भी रखता है, प्लस डिफेंस पॉइंट काफी अच्छा देता है। एलेक्स मोरिनो जो कि 4 गोल और 2 असिस्ट निकाल चुके, बाकी यहाँ जितने और भी प्लेयर्स हैं उन सभी को भी आप टीम में ट्राई करके चल लेना। लेकिन आपको क्रिस्टियन टिलो देखने को मिलेगा, ये ऐसा प्लेयर है जो 90 मिनट तो खेलते नहीं, लेकिन अगर एक दो टीम में आपको ग्रैंड लीग की बनानी तो उस कंडीशन में इन्हें टीम में पिक भी कर लेना, एक दो में कैप्टन वाइस कैप्टन भी दे सकते हो। ओके, यहाँ से ये अटैकिंग पोजिशन पर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ जो टॉप प्लेयर है जिनको हम टीम में ट्राई करके चलना चलना, नाबिल फकीर और यहाँ से विलियन जोस, इन दो को ड्रॉप नहीं करना, मोरिना को ड्रॉप नहीं करना, बाकी यहाँ से हेक्टर बेल्लारिन भी एक ऐसे प्लेयर जो कि डिफेंसिव पॉइंट काफी अच्छे देता। ओके, तो इन 4 प्लेयर को हम वीकली ड्रॉप बिल्कुल नहीं करेंगे। ओके, तो बात आती है जो सेकंड टीम है उसके जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए, तो नजर डालते हैं फ्रैंकफर्ट के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइस फ्रैंकफर्ट की टीम तरफ फिलहाल के टाइम पर जो हाईएस्ट गोल राफेल संतोष बोरे इस टीम की तरफ से
सात गोल निकाल चुका, तो फिलहाल टाइम पर एक इंपॉर्टेंट प्लेयर टीम में ट्राई करके जरूर चलना। लैंडस्ट्रॉम इस टीम की तरफ से पांच गोल निकाल चुका और ये भी डिफेंसिव पॉइंट कहीं ना कहीं अच्छा खासा दे जाता है। इवान एंडिंग को इस टीम की तरफ से तीन गोल निकाल चुका। फिलिप कॉस्टिक इस टीम की तरफ से प्रीवियस सीजन का सेकंड हाईएस्ट गोल टेकर था और फर्स्ट हाईएस्ट असिस्ट टेकर था, तो इसको मैं बिल्कुल भी ड्रॉप करने के लिए नहीं बोलूंगा। ओके, यहां से इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, बाकी जितने और भी प्लेयर्स हैं उन सभी का भी आप सामने रिकॉर्ड है, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। लेकिन कमाडा भी एक ऐसे प्लेयर है जो कि असिस्ट पोटेंशियल काफी हाई रखता है, डिफेंसिव पॉइंट देता है और प्रीवियस सीजन तो इस टीम की तरफ से ये थर्ड या फोर्थ हाईएस्ट गोल टेकर था, प्लस ये इस टीम की तरफ से सेकंड हाईएस्ट असिस्ट टेकर था, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इनको भी टीम में ट्राई करके चल लेना। ओके, यहां जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है जिनको हम अभी के लिए ड्रॉप नहीं कर सकते, तो यहां से मैं उन प्लेयर्स को टिक कर रहा हूँ और उन्हें आप हम टीम में ट्राई करके चल लेना। अब बात आती है इस टीम तरफ से कौन से प्लेयर है जिन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किए, तो नजर डालते हैं असिस्ट वाले प्लेयर्स पर भी। तो गाइस असिस्ट में उन्होंने देखा जाए तो यहाँ से फिलिप कॉस्टिक है जिसने गोल में भी कंट्रीब्यूट किया और असिस्ट पोटेंशियल हाई रखता है, फिलहाल टाइम पर यह काफी अच्छा प्लेयर है। राफेल इस टीम तरफ से सात गोल और चार असिस्ट निकाल चुका, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। लिंडस्ट्रॉम जो कि तीन असिस्ट निकाल चुका और पोटेंशियल है गोल करने की, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। बाकी जितने और भी प्लेयर्स उन सभी का भी आप सामने रिकॉर्ड है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लेकिन शो एक ऐसा प्लेयर है जो आपको डिफेंडर में देखने मिलेगा और इंटरसेप्शन टैकल भी काफी अच्छा करता है, तो असिस्ट पोटेंशियल हाई रखता है, तो इनको भी टीम में ट्राई करके चल लेना। ओके, तो बात आती है इस मैच का अकॉर्डिंग इस मैच में क्या रहनी चाहिए जो हमारे समोलिक टीम है ड्रीम इलेवन पर, तो नजर डालते हैं 1-1 प्रेडिक्शन के अनुसार ड्रीम इलेवन की टीम पर। उससे पहले यार, अगर आपने अभी तक भी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, काफी कम समय में मेहनत करते हैं आपके लिए ज्यादा और उम्मीद है ये मेहनत आपको पसंद आई होगी, तो उम्मीद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं इस मैच में क्या रहेगी हमारी टीम। तो गाइस गोलकीपर में आपके सामने दो चॉइस देखने मिलेंगे, एक ट्रैप देखने को मिलेगा, एक यहाँ से ब्रावो, इन दो में से आपकी 50-50 कॉल रहेगा। दोनों टीमों का जो परफॉर्मेंस रहा है रिसेंटली दोनों इक्वली रहा है, तो मैं यहाँ से अभी के लिए मैं फ्रैंकफर्ट के गोलकीपर को पिक कर चलूंगा। ओके, तो बात करें डिफेंडर में से तो आपके सामने अच्छी खास चॉइस देखने को मिलेंगे, मोरिनो मेरी फर्स्ट चॉइस है, सेकंड चॉइस बेल्लेरिन है, तो इन दो को मैं बिल्कुल भी अपनी टीम से ड्रॉप नहीं करूंगा। अब यहाँ से चैंडलर है, आप ले सकते हो लेकिन मैं अभी के लिए नहीं लेने वाला। ओके, तो यहाँ से हम एंडिंको को पिक कर चलेंगे, परफॉर्मेंस इसने भी रिसेंटली अच्छा दिया है। ओके, यहां से पजलग रख सकते हो, ये अब सिर्फ पासेस निकालता है, ज्यादा इंटरसेप्शन टेकल आते नहीं, तो उस कंडीशन में इसको ड्रॉप करूंगा। टूटा ये भी इंटरसेप्शन ज्यादा नहीं करता। जिमी वेड्रांडा एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है, इसको भी के लिए ड्रॉप करते हैं। तो मैं ज़्यादा बाकी को जस्ट सजेस्ट करूँगा उन्होंने, यहाँ से एडगर गोंजालेज भी है, ये हेडरम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इनको टीम में ट्राई कर सकते हो। मैं मान के चलाऊँ कि इस मैच में दोनों तरफ से गोल होंगे, तो उस कंडीशन में सिर्फ तीन ही डिफेंडर को पिक कर चलाऊँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर। ओके, बात करें यहाँ से मिडफील्ड में, तो यहाँ से मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी नाबिल फकीर और यहाँ से कमाडा सेकेंड चॉइस रहेगी। सर्जियो कैनालेस ये एक बेहतर प्लेयर है, अब आपकी चॉइस रहेगी लेकिन क्रेडिट बचेगा तभी हम इसको पिक करेंगे। लेकिन जोहन को हम टीम में ट्राई करेंगे और हम अभी के लिए पिक करके चलेंगे। फिलिप कॉस्टिक कहाँ गया, लगता है डिफेंडर में दे रखा, चलो कोई सेंटर फॉरवर्ड में दे रखा, तो कोई ना टिल्ली को आप हम टीम में रख सकते हो, लेकिन ये ऐसा प्लेयर है जो कभी कभी गोल करता है। ओके, मैं ज़्यादा इसको मतलब सजेस्ट करूँगा नहीं, बाकी मैं अभी के लिए इन पिक नहीं करूँगा। ओके, राफेल मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी और इस टीम की तरफ से मैं जुआन भी सेकंड चॉइस रख के चलूँगा। ओके, आपकी चॉइस रहेगी यहाँ से बोर्जा को पिक करना या आपसे विलियन जोस को पिक करना। ओके, आपका अकॉर्डिंग देखना, लेकिन मैं अभी के लिए विलियन जोस को पिक कर चलाऊँ। बाकी यहाँ से एक डिफेंडर लेना है हमें, चाहे डिफेंडर हो चाहे मिडफील्ड लो, क्योंकि क्रेडिट की थोड़ा सा इशू है, तो इशू को हम करते हैं ख़त्म। यहाँ से हम एक बेहतर प्लेयर को पिक करते हैं डिफेंडर में से, वो आपके लिए जुआन मिडरांडा ही एक अच्छा रहेगा, क्योंकि रियल बेटिस को हम थोड़ा सा फेवरेट टीम मान के चलें, तो कहीं ना कहीं ये एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। ओके, तो बात करें कैप्टन प्लस वाइस कैप्टन की, तो मेरी फर्स्ट चॉइस कैप्टनसी मैं नाबिल फकीर को दूंगा और वाइस कैप्टन मैं यहाँ से विलियन जोस को देख के चलूँगा। अभी के लिए ये टीम है, ये सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड के बेस के अनुसार टीम है, लेकिन जो फाइनल टीम रहेगी वो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने टॉप के कमेंट और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है, लेकिन याद रहे सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड के बेस के अनुसार टीम, लेकिन लाइनअप आने के बाद ही पता चलेगा कि कौन से प्लेयर की पोजीशन कहां पर है और उसी का अकॉर्डिंग हम अपनी टीम हमेशा अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड करते हैं। तो थैंक यू सो मच वीडियो कंप्लीट देखने के लिए, वीडियो पसंद है तो लाइक भी कर, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और लोसकोरी मैच में आप यहां से मोरिना को टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, जॉन भी एक अच्छा चॉइस है, राफेल सिल्वा मतलब बोरे जो भी इसने भी परफॉर्मेंस अच्छा दिया, कमाडा भी एक अच्छा प्लेयर, फिलिप कॉस्टिक को हम अभी के लिए ड्रॉप करें क्योंकि यहां से काफ़ी ज़्यादा मतलब चॉइस देखने को मिली सेंटर फॉरवर्ड में, तो उन सभी को नहीं पिक कर सकते, हम सिर्फ तीन ही प्लेयर पिक कर सकते हैं और मैंने तीन आपके लिए बताए हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतने के लिए टेक केयर, बाय, लव यू गाइस।